आंख में मोतियाबिंद के ज़्यादा पकने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमारी आंख में मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है या सही समय पर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आंख में क्या क्या नुकसान हो सकता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की बटन दबा सकते हैं। मोतियाबिंद की शुरुआत होते ही आपको मोतियाबिंद से संबंधित कई लक्षण महसूस होने लगेंगे। जैसे ही वह लक्षण महसूस होते हैं तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। ज़्यादा मोतियाबिंद पकने से मोतियाबिंद आँख के अंदर फूट सकता है, जिसके बाद ऑपरेशन बहुत कठिन हो सकता है और दृष्टि आने की संभावनाएं ना के बराबर हो सकती हैं। सही समय पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना कराने या ज़्यादा मोतियाबिंद पकने से आँख के अंदर ग्लूकोमा हो सकता है, जिसके कारण स्थायी रूप से आँखों की दृष्टि जा सकती है। मोतियाबिंद ज़्यादा पकने से मोतियाबिंद अपनी जगह से खिसक कर आँख के अंदर गिर सकता है, जिसको निकालने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा पके हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में कई बार मोतियाबिंद के ऑपरेशन में डाला जाने वाला लेंस नहीं पड़ पाता, क्योंकि मोतियाबिंद के ज़्यादा पकने से वहाँ की जगह खराब हो जाती है। मरीज की आंख में मोतियाबिंद इतना पक जाए कि मरीज को सूर्य का प्रकाश भी न दिखाई देने लगे तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रोशनी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में आप जितना विलंब करेंगे या जितना ज़्यादा मोतियाबिंद पक जाएगा उतना अधिक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहेगी। इसलिए विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपको महसूस होता है कि आँख में मोतियाबिंद हो गया है तो आप तत्काल ऑपरेशन करा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि कच्चे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मोतियाबिंद की शुरुआत होते ही आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। यदि आप सही समय पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो मोतियाबिंद ज़्यादा पकने के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बहुत अधिक बढ़ सकती है। मोतियाबिंद से संबंधित लक्षण महसूस होने पर या और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।